याद आती है और कहा जाता है कि आज प्लीज़ थोड़ी सी दाल बना लो। तो इस चक्कर में ये बकरे के सीज़न में दाल बनी है। तो ये देखें, ये बिल्कुल नरम हो गई है और तैयार है। बस इसको हमें अच्छे से घोटना है ताकि टमाटर भी इसके साथ अच्छे से मैश हो जाए। तो ये देखें, ये हो गई है। इसमें सिंपल सा हम पानी ऐड करेंगे, जितना हमें दाल के लिए पानी चाहिए। ये देखें, अच्छा सा मैंने इसको घोट लिया है। बस अब आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए। पानी आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं। आपको अगर पतली दाल पसंद है तो आप ज़्यादा डाल दें, आपको थोड़ी सी गाढ़ी सी पसंद है तो कम डालें, लेकिन हमें मीडियम हम लोग खाते हैं तो हमने तकरीबन नॉर्मल पानी डाला है। तो बस ये बॉयल होने पर है, ये अच्छे से एक दो बॉयल आएंगे, पानी का कच्चापन निकल जाएगा, तो आपकी दाल रेडी है। और आपने सिर्फ अब क्या करना है, भगार डालना है। भगार भी आपका सिंपल सा है, कोई लंबा चौड़ा भगार नहीं है। आप ये देखें, ये तो मेरे से पानी थोड़ा सा गिर गया, देखें कैसे तेल छटक छटक के बाहर आ रहा है। तो इसमें मैंने लहसुन डाले थे और एज़ यूजल हर चीज़ धो के डालने की आदत है, तो मैंने लहसुन को भी छीलने के बाद धो लिया था, तो उनको मुझे बहुत अच्छे से ड्राई करना था, बट मैंने ऐसे ही डाल दिया, तो इसलिए तेल बहुत छटक रहा है। तो चलें, ये जब जैसे थोड़े से डार्क शेड में होते हैं लहसुन, तो हम इसमें आगे ऐड कर देंगे थोड़ा सा इसके अंदर ज़ीरा, जो कि बघार की जान होता है, खुशबू बहुत बेहतरीन आती है। गोल लाल मिर्च हैं, इसको आपने तोड़ के खाना है, क्योंकि आपकी दाल में मिर्चें नहीं डाली गई हैं, सिंपल सी दाल है। कड़ी पत्ता है, सिंपल सा आपका बघार हो गया। आपने ये डाल देना, ये देखें, और आपकी दाल रेडी। खाइएगा मज़े लेके, गोश्त भी खाइए बट ये दाल भी ज़रूर खाइए, ये भी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है भाई। तो चले, मुझे दीजिए इजाज़त, बना के खाइएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये दाल आपको कैसी लगी है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोगों के फीडबैक भी मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं, तो प्लीज़ आप लोग अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ एंड बकरीद मुबारक अगैन।